हेलो एवरीवन, ज्ञान तो पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे नंबर सीरीज के टॉप 25 क्वेश्चंस और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3, 4, 7, 8, 11, 12 ये नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पे ये पांच जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका पैटर्न क्या है वो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, पहले 3 है, 4, 7, 8, 11 एंड 12 ये है, इतने डिजिट है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इसके बाद 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है। उसके बाद देखेंगे 7 और 8 के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। ये देख आपको क्या करना है, इस फोकस करना है इस पैटर्न पे, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, अब यहाँ पे 1 का डिफरेंस। अब हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा 1 3 1 3 1, तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आएगा, तो 3 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 15, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11। अब यहाँ पे क्या है, डैश डैश डैश, मतलब कि यहाँ पे दो डिजिट आएगा, कौन से दो डिजिट आएंगे वो देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 8, 12, 9, 13, 10, 14 एंड 11। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 और 12, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा, +4 हो रहा और यहाँ पे -3 हो रहा, ये इंक्रीजिंग टर्म में है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग के टर्म में है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 9 और 13, ये 3 के बीच इसमें कितना डिफरेंस है और ये बढ़ रहा था, यहाँ पे +4। अब यहाँ पे देखेंगे 13 है और आगे 10 है, इसमें -3। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे +4 हो गया। उसके बाद 14 एंड 11 के बीच में ये घट रहा है, तो यहाँ पे -3 हो गया। अब यहाँ पे कोई भी दो बता को, सॉरी कोई भी दो नहीं, मतलब यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आगे कौन सा दो नंबर आएगा वो बताने, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में क्या क्या है, दो डिजिट दिया गया है, दो अलग अलग डिजिट दिया गया है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर +4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यही पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, -3, तो 15 में से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे -3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, और यहाँ पे +4 हुआ है जो कि 15 है, और आगे क्या है, 12 है। ठीक है, इस तरह से करना है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20, 20, फिर 17 है, फिर 17 है, फिर 14 है, फिर 14 है, उसके बाद 11 है, और आगे डैश डैश डैश, मतलब कि आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इसमें भी कोई भी दो डिजिट आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन में है, कोई भी ये पांच ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20, 20 का पैर है, 17 का पैर है, 14 का पैर है, और यहाँ पे 11 जो कि एक सिंगल है यहाँ पे, और आगे क्या आएगा वो देखेंगे, 20 और 17 के बीच में 3 का डिफरेंस हो गया इस पैर में। अब आगे देखेंगे 17 और 14 के बीच में
तीन का डिफरेंस हो गया। अब आगे देखेंगे 14 और 11 में भी तीन का डिफरेंस हो गया। अगर ये दो बार दिया गया पैर में दिया गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 है, ये हो गया तीन तीन तीन, अब यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ पे भी तीन का डिफरेंस, मतलब कि तीन कम आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला सीक्वेंस सही हो गया, 11 और 8, जो कि हमारा फिफ्थ ऑप्शन है, ई ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फाइंड अ रॉन्ग नंबर इन अ सीरीज। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 139, 31, 128, 651। अब हमें इसी में से बताना है कि कौन सा नंबर है, कौन सा एक नंबर है जो गलत दिया गया है और उसके जगह कौन सा नंबर आएगा। जो नंबर गलत होगा वो हमें ऑप्शन में टिक मार्क करना। तो इसमें कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 139, 31, 128, उसके बाद क्या है 651, उसके बाद 3913, ये दिया गया है। अब हमें बताना है कि कौन सा एक गलत है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कितना का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है उसी तरह से। ठीक है, लेकिन ये वाला पैटर्न फॉलो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, यहाँ पे करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आगे का यही जो पैटर्न है वही फॉलो होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 3 है नेक्स्ट, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया, और प्लस 3 9 आ गया। अब यही देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 9 है, 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 27 हो गया, 27 में कितना प्लस करेंगे तो 31 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यही वाला सीक्वेंस पे जाएंगे, उसके बाद क्या है 31 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5, तो यहाँ पे देखेंगे 31 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे 31 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5, इसमें क्या आ जाएगा टोटल 129। बस हमें इतने से पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर गलत है और यहाँ पे ये गलत है, ये 128 गलत है, उसके जगह क्या आना चाहिए था 129 आना चाहिए था। तो ये वाला पैटर्न, ये वाला जो सीक्वेंस है वो एकदम करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 128 है, उसके जगह 129 आना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 128, जो कि एक रॉन्ग नंबर है हमारा इस क्वेश्चन में। उसके बाद 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, ये वाला नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसके बाद इसमें भी पता चल रहा है ये भी 6 का डिफरेंस है, उसके बाद इधर भी पता चल रहा है 6 का डिफरेंस है, यही वाला यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आगे दो नंबर आएंगे ऑप्शन में से, ये पांच ऑप्शन में से कोई भी दो नंबर आएगा यहाँ पे, तो हमें बताना है कि आगे यहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो रहा था, ठीक है, तो आगे भी 6 का डिफरेंस करके ही हमें आंसर लाना है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे घट नहीं रहा, मतलब कि 6 का डिफरेंस है लेकिन वो प्लस में जा रहा है, तो उसी तरह से हमें भी प्लस में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 38 प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद भी सेम यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमें एक और नंबर बताना है जिसका भी डिफरेंस क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे 44 और 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 5, 7, 11, 37, फिर क्या है बीच में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 7, 21 है, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है कि क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है 5, 7, 11, 37 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 721 है।
तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनर डिफरेंस नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 कर दिए और प्लस 2 कर दिए, 5 से गुना कर दिए एक को, और क्या जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, तो क्या आ गया यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद देखेंगे 7 को 2 से कर दिए तो 14 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा, 14 में 3 गया तो 11 हो गया। यही वाला चल रहा पैटर्न, तो अब हमें यही वाला फॉलो करना है। उसके बाद 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया 33, और यहाँ पे 37 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हाँ 33 प्लस 4 37 हो गया। अब आगे देखेंगे 37 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस वाला चल रहा है और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5, इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 7 फोर जा 28, 8 और 2 48, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5, 143 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क किया जाएगा, क्या आ जाएगा 143, ठीक है, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 6, 18, 54, और आगे क्वेश्चन मार्क है और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हो गया। अब यहाँ पे पता चल रहा है इसी हिसाब से कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 किया गया है, सेम पैटर्न 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 54 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो कि बताना है कि 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 162, जो कि क्वेश्चन मार्क में 162 आ जाएगा, यहाँ पे जो ब्लैंक है 162 आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12, 15, 20, 27 ये है। अब इसको देखेंगे यहाँ पे कैसे यहाँ पे फिल किया गया, यहाँ पे इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 5 है इसका डिफरेंस, यहाँ पे 7 है, मतलब कि ये क्या पता चल रहा है, ये जो डिफरेंस है एक दूसरे में, जो ऑड नंबर का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, ऑड नंबर का डिफरेंस है, 1, 3, 5, 7 और आगे क्या आएगा 9 आएगा, तब 27 में क्या करेंगे 9 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर आ जाएगा 27 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 है, 38 है, उसके बाद 71 है, 126 है, उसके बाद क्या है 203 है, क्या है 203, तब यहाँ पे बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 27, 38, 71, 126, 203, और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिफरेंस 11 है, यहाँ पे लिख देते हैं 27 में 11 प्लस करें क्या आ जाएगा 38, उसके बाद क्या है 38 में कितना प्लस करेंगे तो 71 आएगा, तो यहाँ पे 33 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 71 आ गया। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 11 का टेबल है जो कि बीच का एक एक छोड़कर है, मतलब यहाँ पे एक का डिफरेंस है, 11 है उस पर 33 है, तो अब इससे पता चल रहा है कि आगे क्या हो जाएगा 55 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 126, 71 में
55 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 126। अब आगे वाला क्या सीक्वेंस रहेगा 126 प्लस 77 जो कि 203 है। अब आगे सेम 203 है, अब इसमें 99 को प्लस करेंगे, इसमें से पता चल गया कि 11 है, यहाँ पे 33 है, 55 है, 77 है, 99 है। अब इसको 203 प्लस 99 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 302 जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 31 क्या हो जाएगा यहाँ पे 312 सॉरी 302 ही आएगा जो कि हमारा नन ऑफ दिस है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था ऑप्शन को देख के, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस जो कि यहाँ पे 302 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा यहाँ पे 302। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 200 369 513 634। अब इसको देखेंगे कैसे करते हैं, यहाँ पे 4 है 200 369 513 634। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जगह पे कौन सा नंबर आएगा और कौन सा ऑप्शन आएगा। इस पांच में से एक है नन ऑफ दिस और बाकी का चार नंबर दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कि कौन सा वहां पे क्वेश्चन मार्क के जगह आएगा। यहाँ पे तो काफी डिफरेंस है, बहुत कहीं पे माइनर डिफरेंस है, कहीं पे मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे तो इसको कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 196 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे क्या करना 4 प्लस 196 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 14 का स्क्वायर, 4 प्लस 14 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200। अब नेक्स्ट 200 में कितना प्लस करेंगे तो 369 आएगा, 169 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 में 169 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 369 जो है वो किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे 369 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है 513, और 513 में कितना प्लस करेंगे तो 634 हो जाएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर ये घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 प्लस 513 क्या आ जाएगा 634। अब आगे जो क्वेश्चन मार्क है क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो हमें बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा यहाँ पे जैसे कि 634 प्लस यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि क्या है 11 का स्क्वायर 121 है, तो 634 प्लस 121 करेंगे तो क्या जाएगा आंसर हमारा 734 जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। अब आप नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या है 7 10 8 11 9 and 12, ये है क्या है 7 है 10 है 8 11 9 12, उसके बाद बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 3 2। अब इसके बीच का डिफरेंस 3, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे 3 2 3, फिर आगे क्या होगा यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर आगे क्या होगा 2 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या रहा 7 10, यहाँ पे प्लस हो रहा है साथ में सॉरी यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा माइनस हो रहा, तब 12 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 10,
जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 है, 22 है, 23 सॉरी 33 है, 49 है और 70 है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, 16, 22, 33, 49 और 70 उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो जगह है जो यहाँ पे क्या आएगा। पहले 16 हो गया, 16 में कितना प्लस करेंगे तो 22 आएगा, 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 22 हो गया, 22 में कितना प्लस करेंगे तो 33 होगा, 11 को प्लस करेंगे तो 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 33। अब नेक्स्ट 33 में कितने को प्लस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ पे 6 हो गया, अब 11 हो गया, उसके बाद 33 और 49, यहाँ पे कितना 16, तो 49 हो जाएगा। अब देखते हैं 49 प्लस कितना करेंगे, यहाँ पे 70 है तो 70 है तो यहाँ पे कितना को प्लस करेंगे, सॉरी 49 में कितना को प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा। आप बताइए क्या, कितना को प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा, यहाँ पे 23 सॉरी यहाँ पे 6 का पैटर्न 11 हो गया, 16 यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 6 हो गया, उसके बाद बीच में एक गैप छोड़ दिया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 21। ठीक है, यही वाला पैटर्न जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 70 हो गया, उसके बाद 70 में कितना प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए, तो अब इसमें कितना प्लस करेंगे तो आ जाएगा 96 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा कि 6 फिर 16 फिर 26, अगर आगे करना होता तो क्या हो जाता यहाँ पे, 36 होता, उसके बाद यहाँ पे 11 है, 21 है, अगर नेक्स्ट करते तो क्या होता, 31, लेकिन हमें जो जितना पूछा गया उतना ही हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 96। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 है, 36 है, 50 क्या है, 52 है, उसके बाद क्या है, 88 और 152, अब इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, उसके बाद क्या है, ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे 32, 36, 52 फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो अब हमें बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 32 है, 32 का गैप क्या है, 4 है, इसके बाद क्या है, ज्यादा का डिफरेंस है, इसको 32 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 आ गया, उसके बाद 36 में अब कितने का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 52 आएगा, 3 का स्क्वायर करने से आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता और 36 प्लस 9 ये आंसर नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 उसमें 36 प्लस करेंगे तो 52। ये इवन नंबर का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा 2, 4, इसके बाद कितना का प्लस करेंगे तो 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36 को प्लस करेंगे तो 88 हो जाएगा। उसके बाद 88 प्लस कितना करेंगे, 8 का स्क्वायर जो कि 64 है, तो यहाँ पे 152 आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद 150 क्या है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो 100 प्लस 152
टू आंसर आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। क्या आता है? 252। तो हमारा ई हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 22 8 28 8। फिर आगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और हमें बताना है कि कौन सा आंसर आएगा इस चार ऑप्शन में से। 34 आएगा, 36 आएगा, 21 आएगा कि 22 आएगा। पहले तो हमें इस पैटर्न को समझना है कि कैसे है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो ये 8 मतलब ये जो 8 है ये तो सब जगह सेम ही है, एक के बाद एक छोड़ के 8 ही दिया गया है। यहाँ पे मेन अब इसका कितना का डिफरेंस है, 22 और 28। 22 में कितना है? प्लस किया है 6 प्लस किया तो यहाँ पे 28 आ गया। तो ये इसी के अकॉर्डिंग अगर हम गए यहाँ पे, सॉरी इसमें प्लस 6 हो गया तो 28, और क्या करेंगे प्लस 6 कर देंगे यहाँ पे भी, उस तरह का हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये है जो कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें प्लस किया गया है, यहाँ पे तो सब कॉमन है 8 8 8। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि यहाँ पे 22 है, 28 है, 6 का डिफरेंस है तो आगे भी 6 का डिफरेंस ही आएगा, और इसमें 34 आ गया। इस क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे 34 आएगा, जो कि हमारा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 509 68 429 140 फिर 365। और हमें बताना है कि यहाँ पे ये यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इस पांच ऑप्शन में से। 194 आएगा, 192 आएगा, 196 आएगा, 195 आएगा या 197 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे 509, यहाँ पे क्या है 509 है, तो यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 441। अब आपने क्या किया होगा मैथ्स में, मैथ्स में तो लगभग जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो उसको स्क्वायर तो सीखेंगे, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा 441 मतलब कि किसका स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। यहाँ पे पता चल गया कि ये 441 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा, 441 जो कि 21 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट देखेंगे 429 और माइनस 68 कर देंगे तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब पता चलेगा कि आगे जो पैटर्न फॉलो होने वाला वो स्क्वायर ही रहेगा। तो अब क्या किसका स्क्वायर है, ये 429 माइनस 68 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 361 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है यहाँ पे 361 19 का स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 441 मतलब कि 21 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये दोनों का देख ले 19 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब ये इवन नंबर में जा रहा है 21 19, तो आगे आपको पता चल गया होगा कि आगे क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, इससे मैं पता चल गया कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस 17 का स्क्वायर होगा जिसको। ठीक है, इसके बाद 21 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं, ये दोनों का हो गया, इसका निकल के आ गया, इसका निकल के आ गया, 429 माइनस 140 कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 365 और 140 बच गया, जो कि इसका क्या आएगा यहाँ पे आपको पता चल गया होगा 5 2 और 2, मतलब कि ये 225 जो है वो किसका स्क्वायर है, देख के पता चल जाएगा 15 का स्क्वायर है। और हमें आगे बताना है कि ये आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 169 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 169 ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, तो 169 आ गया। क्या आ गया 13 का स्क्वायर 169 आ गया, तो कितना माइनस करेंगे तो 365 में
160 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 15 में से 6 घटाए तो 9 और फिर 1, तो हमारा 196। मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, वहां पे 196, जो कि किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, लेकिन उससे मतलब नहीं है 14 का स्क्वायर है, क्योंकि हमें जो डिफरेंस बताना है वो 13 का स्क्वायर है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 13 का स्क्वायर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह 196 है, तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, 196, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 112, 14, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 66 है, फिर 142 है। अब हमें इसको बताना है कि इसको सॉल्व करना है, कि ये जो बीच में जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो यहाँ पे कैसे दिया गया है। ठीक है, अगर वन को हम इसको सॉल्व कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब एक को दो से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और इसमें 10 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, 12 है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो गया यहाँ पे। लेकिन अब ये जो प्लस है तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसको इसको घटा देंगे 10 को, मतलब कि यहाँ पे 24 हो गया, 24 को 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, 12 को मल्टीप्लाई किए तो अब इसमें 10 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा, जो कि ये वाला सिक्वेंस जा रहा, 12 14। अब आगे देखते हैं 14 को, ये वाला जो है सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा, 28 है, 28 में 10 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर 38 आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ई ऑप्शन में है, 38, जो कि हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आगे के 66 है तो वो भी देख लेंगे, बस 66 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 66 मल्टीप्लाई बाई 2, उसको माइनस करेंगे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 66 नहीं, यहाँ पे 38, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 से घटा देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 66। तो उसी तरह से आगे 66 है, तो 66 को भी 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और यहाँ पे प्लस 10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 142 आ जाए। लेकिन हमें ये क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना है, जो कि 38 है, जो कि ई आंसर में है, सॉरी ई ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन क्या है, 1 है, 2 है, 6, 33, उसके बाद क्या है, 289। अब यहाँ पे देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करो या फिर 1 का क्यूब रखो तो भी 1 ही आएगा। 2 को 1 से गुना कर दिए और यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकाल दिए तो इस यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वाला पैटर्न हमें इसको फॉलो करवाना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर लाना है। अब आगे देखेंगे क्या है, 6 है, क्या है, 6 है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6, तो आंसर आएगा हमारा नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 का क्या करेंगे, क्यूब निकाल देंगे, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 27 होता है, और 27 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का 1 लिखो या फिर 1, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया, तब हमें आगे समझ में आ रहा होगा, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 को 1 से गुना करेंगे और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का पावर 4 लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 289, क्योंकि 33 को क्या करेंगे, 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 ही रहेगा, और 4 का पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता, तो बस 64 को 4
फोर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 256 हो गया, 256 में 33 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, 289 जो कि यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। अब आगे का हमें क्वेश्चन मार्क है जो कि इसमें आंसर बताना है, तो 289 हो गया, एक से गुना करेंगे और आगे क्या करेंगे 5 का पावर 5 लगा देंगे। तो हमें पता है 5 का क्यूब क्या होता है, हमें शॉर्टकट में समझना 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता, और बच गया 2 पावर, तो 125 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 25 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 3125 हो गया, इसका 5 का पावर 5 क्या हो गया इसका आंसर 3125, 3125 हो गया, और इसमें क्या करेंगे 289 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर हमें मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 1, 4 और 3, ठीक है। तो जो कि हमारा क्या है बी का बी ऑप्शन है 3, 4, 1, 4, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह क्या आ जाएगा 3414। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 21, 23, 22, 24, 23, आपको देख के कंफ्यूजन वाला सम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस क्या है 2 है, इसका डिफरेंस 1 है, इतना पता चल गया। तो आगे क्या आएगा यहाँ पे 2 का ही डिफरेंस आएगा, तो हमें जैसे कि यहाँ पे 22 है, 23 है, 24 है, 21 है, 22 है, 23 है, तो ये पता चल रहा है यहाँ पे इसका गैप का, ये जो गैप दिया गया है यहाँ पे, जो डिफरेंस है जो 1, 2, 1, 2, 1 और 2, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 318, उसके बाद 206, उसके बाद 150 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है जो कि हमें इसका यहाँ पे आंसर देना है 108 है, 101 है। अब इसका डिफरेंस क्या है 318, 206 का डिफरेंस क्या है यहाँ पे 112 है। अभी नेक्स्ट का डिफरेंस देखेंगे 206 में, मतलब 150 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या करना है 206 में 150 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो अब हमें ये क्या है यहाँ पे 112 और 56 है, ये इसमें किसको डिवाइड किया गया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ पे पता चल रहा है कि 112 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया गया है तो 56 आ रहा है। तो अब आगे क्या होगा, आगे भी इसको डिवाइड किया जाएगा, वो भी किससे 2 से, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड किया गया है 2 से, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 28 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 28 आएगा। इसको क्या करेंगे 150 हो गया यहाँ पे, उसके बाद इसको जो डिवाइड करना है डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पे 150 में से 28 132 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 132, उसके बाद 108, उसके बाद 101 है, तो आगे भी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये दोनों को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, डिवाइड बाय 2, इसको भी यहाँ से डिवाइड किए, इसको भी 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 132 जो कि ई का ऑप्शन है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, 10, 70, 15 और 60, यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा 80 है, फिर 70 है, फिर क्या है 60 है, मतलब 10 10 क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है
10 है, 15, मतलब कि इसको जोड़ रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, 5 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 10 में 5 को ऐड किए तो 15 आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये वाला ही पैटर्न का अकॉर्डिंग आएगा। 10, 5 को ऐड किए तो यहाँ पे भी 5 को ही ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, 20 हो गया यहाँ पे। अगर आगे आगे का मतलब पूछता या फिर आगे क्वेश्चन मार्क होता तो क्या आ जाता यहाँ पे, जैसे कि 80 है, 70, 60, यहाँ पे क्या आ जाता, 50 आ जाता। ठीक है, यही वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया तो क्या आ गया यहाँ पे, 20 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है। इवन नंबर है, 2 का टेबल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और आगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे सब में 2 को ऐड किया गया, 2 को ऐड किया गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 है, उसके बाद 28 है, यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 है, इतना पता चल गया। लेकिन इसका जो गैप है, इसका जो डिफरेंस है, वो कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। अब 40 को 32 को, सॉरी, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, सेम हमें आगे का करना है, यहाँ पे भी 8 को क्या करेंगे, ऐड, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 56। ये वाला पैटर्न का नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पे 14 है, 28 इसका मल्टीप्लाई हो गया 20 का, और 40 मल्टीप्लाई हो गया, 32 और 64 यहाँ पे एक दूसरे से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और बच गया ये वाला बीच का गैप का, उसकी उसी के अकॉर्डिंग 28, तो यहाँ पे 20 है तो 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 40 और 32 मतलब 8 का डिफरेंस है, उसी तरह से आगे 64 और 56, तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, मतलब आगे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 8 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 52 आ जाएगा, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है तो 52 आ जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी देखा था, लेकिन वहां पे नंबर अलग था। यहाँ पे 53 है का एक पैर है, यहाँ पे 40 का एक पैर है, यहाँ पे 27 का एक पैर है। अब हमें बताना है कि आगे क्या आएगा, पहले 53 है और 40 है, इसमें पता चल रहा है कि आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे किसका कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 13 का। उसी तरह 40 और 27, उसके बीच का कितना का डिफरेंस है, इसमें भी 13 का डिफरेंस, यहाँ पे घटा रहा है। उसी तरह से 27 में अगर हम कितना माइनस करेंगे, 27 में 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है, 27 और 13। जैसे कि ये वाला क्या है, यहाँ पे पैर है, लेकिन हमें एक ही नंबर पूछा गया है, यहाँ पे कितना नंबर पूछा गया है, एक ही नंबर पूछा गया है। इसी तरह से 13 को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, माइनस कर दिया, डिफरेंस इतना है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 13 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा कि नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58 है, क्या है, 58 है, उसके बाद 52 है, 46 है, 40 है, उसके बाद क्या है, 34 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 28 है, 24 है, फिर क्या है, 30 है, फिर 32 है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 46 और 52 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, उसके बाद ये भी 6 का डिफरेंस है, आगे 6 का डिफरेंस है, तो आगे क्या होगा, 6 का ही डिफरेंस आएगा, यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस है, यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस माइनस मतलब नीचे घटाया, डिफरेंस है 6 का,
लेकिन यहाँ पे नीचे मतलब कि माइनस करके घटाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स या माइनस सिक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस सिक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 34 में 6 को माइनस कर 6 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वी यहाँ पे रोमन नंबर में दिया गया है, वी को क्या बोलते हैं 5। रोमन नंबर तो सब जानते ही है, सब पढ़े ही होंगे बचपन से ही, रोमन नंबर बताया जाता है 5 है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, 9 हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉरी 11 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद क्या आ जाएगा और लास्ट में 20 है। और ये जो खाली जगह है, खाली जगह या फिर क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं, उसको फिल करना है, मतलब कि ये जो चार ऑप्शन है उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। पहले इसको समझना है, 5, 8, 11, 15 और जो गैप यहाँ पे ब्लैक खाली जगह है और 20 है। अब इसमें से देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे इसमें ऐड किया गया है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, यही वाला पैटर्न फॉलो होगा, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आ जाएगा जो कि 17 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 17 है, यहाँ पे डी ऑप्शन 17 है, जो कि यहाँ पे जो जो खाली जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा उसकी जगह 17 आएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।